मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मोलरिटी के बारे में बात किया था हम लोगों ने। और मोलरिटी का डेफिनेशन आया था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर और पर 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद मोलरिटी से रिलेटेड कई क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे जो आप वीडियो में देखे भी होंगे। उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया था, आप उसको बना भी लिखेंगे। मोलरिटी के बाद में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस करने के नेक्स्ट वे नेक्स्ट मेथड की तरफ में बढ़ते हैं। और सेकंड है मोलरिटी डेफिनेशन, इसका पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। यानी मोलरिटी और मोलरिटी में कॉमन है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों में है, और डिफरेंस है मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और मोलरिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप 500 ग्राम वाटर में 100 ग्राम शुगर को डिजोल्व करते हो तो ये 100 ग्राम शुगर सॉल्यूट हो गया, 500 ग्राम वाटर सॉल्वेंट हो गया, और इन दोनों को मिक्स करने पर 600 ग्राम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। यानी सॉल्यूशन इट इज द सम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास निकलेगा। उसी तरह से अगर सॉल्यूशन और सॉल्यूट का मास दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। तो दोनों में मोलरिटी और मोलरिटी में यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को लेकर के दोनों जगह पर डिफरेंस है, इसका आपको खास ख्याल रखना होगा। और इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एक न्यूमेरिकल्स पढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में इसके फॉर्मूला के बारे में भी डिस्कस किए थे। मोलरिटी निकालने के लिए मे भी हो सकता है कि वन स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मे भी हो सकता है कि आपको टू स्टेप्स का क्वेश्चन बनाना पड़े, दो स्टेप में जाकर के सॉल्व होगा, या फिर हो सकता है डेंसिटी का भी यूज करना पड़े और थ्री स्टेप में जाकर के यूज होगा। तो हम एक एक स्टेप बढ़ेंगे, यानी सबसे पहले वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो फर्स्ट स्टेप में सॉल्व हो जाए। जैसे अभी एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, सपोज 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एंड यू हैव टू डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और आपको मोलरिटी निकालना है। अब यहां देखो 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को डिजोल्व किया गया, और जिस सब्सटेंस को डिजोल्व किया जाता है उन्हें सॉल्यूट कहा जाता है। डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 500 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया तो वाटर सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। अब आपको मोलरिटी निकालना है, एक एक स्टेप बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, और यहां सॉल्यूट के फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया गया है H2SO4, इट इज गिवन 49 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कई बार हम लोग निकाल चुके हैं, 1 × 2 + 32 + 16 × 4, ये वैल्यू आ जाएगा 98 ग्राम पर। अब यहां से इसका मोल निकालते हैं, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, 49 / 98, इट वुड बी इक्वल टू 1/2 और 0.5 मोल, इनका नंबर ऑफ मोल निकल गया। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास गिवन है, इट इज 500 ग्राम। अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, तो मोलरिटी का फॉर्मूला यूज कीजिए। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ
मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1000 से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम इंटू 1000। 500 इंटू 1000 करेंगे, 0.5 इंटू 1000 करेंगे तो 500 बाई 500 ये वैल्यू हो गया 1 मोल पर किलोग्राम, या इसी को हम लोग 1 मोलर लिख सकते हैं। स्मॉल एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम, यहां पर भी आप ध्यान दोगे कैपिटल एम अगर लिखते हैं तो मोले रिटी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर स्मॉल एम लिखते हैं तो ये मोले लीटी को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें यूनिट का भी ध्यान रखना होगा। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लोगे, पीडीएफ में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ बोर्ड पर भी हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को, वहां भी आप नोट कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास ये दोनों दिया हुआ था, और वहां से हम लोग मोलरिटी निकाले थे। अब इस वाले क्वेश्चन में, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे थे उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहां इस क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास दिया हुआ है और सॉल्वेंट के मास की जगह पर सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, और आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए सॉल्वेंट का मास यूज करना होगा। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सपोज 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर इट्स 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, टू प्रिपेयर इट्स 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहां पर ये 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजॉल्व किया गया, ये सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, और यहां ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया गया, तो ये 100 ग्राम सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। लेकिन हमें चाहिए होता है क्वेश्चन बनाने के लिए सॉल्वेंट का मास, तो सिंपल कंसेप्ट आज जब स्टार्ट किए वहां बताया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को अगर माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। देखते हैं आप जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इट इज 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज 40 ग्राम पर मोल। अब यहां से इसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, मास बाय मोलर मास 20 डिवाइडेड बाय 40, 1/2 इट मींस 0.5, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन इट इज 100 ग्राम, और आपको चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास 20 ग्राम है तो 100 माइनस 20 इट वुड बी इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू 80, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। अब आप मोलरिटी यूज करें, मोलरिटी वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 80 इंटू 1000, ये 0-0 कैंसिल हो गया, 100 इंटू 0.5 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 80। अब 50 को 80 से डिवाइड कर दीजिए, 6.25 मोल पर किलोग्राम, या इसी को हम लोग मोलर भी कह सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से सेकंड वाले क्वेश्चन में कहां पर डिफरेंस आ गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्वेंट का भी मास दिया हुआ है और यहां सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है,
अब इसके आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे वहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाएगा, तो आपको डेंसिटी भी यूज करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब पहले के दोनों क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ था, सेकेंड क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, सॉल्यूशन का मास था। और अब जो क्वेश्चन थर्ड सोल्व करने जा रहे हैं इसमें सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, जबकि हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास, यानी इस जगह पर डेंसिटी का भी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सपोज ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 is present in its 400 milliliter aqueous solution, 400 milliliter aqueous solution, and the density of the solution is 1.2 gram per milliliter। solution का density दिया हुआ है और आपको यहां से निकालना है molarity। तो solute हो गया यहां पर urea, ये solute है, तो इनका मूल निकालने और फिर इनका यूज करके सॉल्वेंट का मास निकालना है। एक एक स्टेप में आगे बढ़ते हैं, वही से समझ में आता जाएगा आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ यूरिया इट मींस NH2CONH2 इट इज 30 ग्राम। इनका मोलर मास अगर निकालेंगे, पहले भी कई बार निकाल चुके हैं, इट इज 60 ग्राम पर मोल। अब इसके बाद इनका मोल निकालते हैं, मास बाय मोलर मास, इनका मास 30, मोलर मास 60, 1/2 इट मींस 0.5 आ गया। अब देखो यहां वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वैल्यू हो गया 400 मिलीलीटर। पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास था, तो सॉल्यूट के मास को माइनस कर दे। आप पढ़े होंगे नीचे क्लासेस में ही, एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी में से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि किसी कंपोनेंट का वॉल्यूम है तो दूसरे कंपोनेंट का भी वॉल्यूम ही होना है। अगर किसी एक का वॉल्यूम है और दूसरे का मास है, तो या तो वॉल्यूम को आपको मास में कन्वर्ट करना होगा या फिर मास को आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता है हमें और सॉल्यूशन का डेंसिटी भी पता है, तो इन दोनों का यूज करके हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 400 मिलीलीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इट इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, यहां से मास निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मूला था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यह आ गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 400 मिलीलीटर और डेंसिटी है 1.2, ये वैल्यू आ गया 480 ग्राम। ये 480 ग्राम किसका वैल्यू निकला है, मास, किसका निकला है मास, सॉल्यूशन का। तो अब यहां से हम लोग सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, अभी इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन के बराबर हो गए। मास ऑफ सॉल्वेंट इट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन 480 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 30 इट वुड बी इक्वल टू 450 ग्राम। ये निकल गया इनका मास ऑफ सॉल्वेंट। जब मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, तो अब हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं। हम इसे इरेज कर देते हैं यहां ताकि जगह मिल जाए। वैल्यू याद रखिएगा, सॉल्वेंट का मास आ गया 450 और इनका वॉल्यूम के ये नंबर ऑफ मोल कितना है, 0.5। अब इसके बाद
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये यूज करेंगे। नाउ मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन 2000। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 450 इन 2000। 0.5 को 1010 ये कैंसिल हो गया, 100 को 0.5 से करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 45, और कर सकते हैं यहीं से तो ये वैल्यू आ जाएगा 10/9, इट मींस 1.111 चलता चला जाएगा, तो 1.11 मोल पर किलोग्राम। तो इस तरीके से तीनों स्टेप का निकाल के, अब मे बी अगर सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है डेंसिटी यूज करने का, वहीं से निकल जाए। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के मास को माइनस कर देंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो डेंसिटी का टर्म यूज करके पहले सॉल्यूशन के मास को, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के मास में कन्वर्ट करेंगे और फिर वहां से सॉल्वेंट का मास निकालेंगे, जैसे कि अभी है। अब इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं जहां हम डिस्कस कर रहे थे उस वाले पार्ट से रिलेटेड। सपोज मान लिया दिया हुआ है ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम वाटर टू प्रिपेयर इट्स एक्वस सॉल्यूशन एंड द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी इनका डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो आपको यहां पर भी मोलैलिटी भी निकालना है और मोलैलिटी भी निकालना है। सॉल्यूट चूंकि ग्लूकोज है तो इसका मोल निकाल लेते हैं पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इट इज 45 ग्राम। इनका मोलर मास वैल्यू दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल, और फिर अब इसका मोल निकालेंगे तो 45 डिवाइडेड बाय 180 यानी 1/4, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.25। नंबर ऑफ मोल निकल गया। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ये वैल्यू दिया हुआ है 500 ग्राम। अब देखो मोलैलिटी निकालना होता तो निकल जाता है मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहां पर हम लोग को मोलैलिटी भी निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूट का मास है 45 ग्राम, सॉल्वेंट का मास है 500 ग्राम, तो यहां से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 45 प्लस 500 इट इज 545 ग्राम, ये मास निकला। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब यहां से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो यानी इनका फॉर्मूला हो गया मास बाय डेंसिटी, तो मास है 545 और डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ये मिलीलीटर। अब जब सारा डाटा आ गया तो फॉर्मूले पर पुट करना है और बाकी कैलकुलेट करके निकाल लेना है।
मोलरिटी के लिए एक बार यूज करोगे तो यहां वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, और मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट 5 मिलेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो चूंकि इरेज करेंगे तो डाटा मिसमैच ना करें, इसलिए इसको हम यहां लिख देते हैं 545 डिवाइडेड बाई 1.2। जैसे फर्स्ट मोलरिटी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.25, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 545 डिवाइडेड बाय 1.2 इनटू 1000। ये 1.2 पर चला जाएगा, यानी 0.25 इंटू 1.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 545। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब यहां कोई केमिस्ट्री नहीं है, सेकंड वाले पार्ट पर मोलरिटी ये निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.25, मास ऑफ सॉल्वेंट 500 इंटू 1000। ये तो आसानी से कट जाता है, टू टाइम्स तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.5, क्योंकि मोलरिटी निकाल रहे हैं तो ये स्मॉल है, और उसी के अप्रॉक्स में ये भी वैल्यू आएगा, बहुत ज्यादा का डायमेंशन नहीं, लेकिन आप इसे सोल्व करोगे एग्जामिनेशन में भी जब आप सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर पर ही आपको मार्क्स मिलेगा, आधा अधूरा छोड़ देंगे तो उस कंडीशन में आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहां के बाद में हमें लगता है कि मोलरिटी और मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ क्वेश्चन, और यहां जो बोर्ड पर हम डिस्कस किए हैं उस वाले क्वेश्चन में दोनों जगह पर फर्क क्या पड़ता है। हम यहां लिए 45 ग्राम ग्लूकोज जानबूझ करके, क्योंकि मुझे पता है कि ग्लूकोज का मोलर मास 180 है, तो 45 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे, तो ये इजिली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर इजिली कर सकते। वही एनसीईआरटी बुक में 45 ग्राम की जगह पर 43.2576 ग्राम दे देगा, यानी आपका कैलकुलेशन सिर्फ बढ़ जाएगा, बट केमिस्ट्री का कंसेप्ट वही है। केमिस्ट्री सिर्फ यह बताता है कि मोल क्या है, वॉल्यूम क्या है, मोलरिटी क्या है। अब ये बाकी 0.25 होगा या 0.1276 होगा, ये केमिस्ट्री का उसका मतलब नहीं है, वो तो आपका कैलकुलेशन पे कमांड है। अंडर 10 क्लास तक में अगर आप जोड़ घटाव गुणा भाग सीखे हैं तो यहाँ वो काम देगा, और अभी तक आप बचते चले आ रहे हैं तो परेशानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, जहां कैलकुलेशन है उसके कैलकुलेशन पर कमांड लिखिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो बढ़े नहीं, केमिस्ट्री से ज्यादा नहीं मिलकर आपको फिजिक्स में मिलेगा, और मैथ्स तो पूरा क्वेश्चन पर ही, मल्टीप्लीकेशन डिविजन पर ही भेजिए, तो उससे भागने की कोशिश मिलती है। तो यहां तक ये सारा आप नोट कर लीजिएगा, जो रिलेटेड क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में उसे आप सोल्व करोगे और असाइनमेंट में आप सबमिट करोगे। तो मोलरिटी और मोलरिटी ये दो पार्ट कंप्लीट किए, अब इसके बाद का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन और फिर मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब। थैंक यू।